नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, आज मंगलवार है। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको अपने अतीत के बारे में कुछ जानकारी भी मिलेगी, ज्ञान भी होंगे और कुछ अपने परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि के बारे में जानेंगे भी। सभी देवी देवताओं को हम लोग पूजा पाठ में फूल, अक्षत, माला, प्रसाद के साथ सिंदूर भी चढ़ाते हैं और इन सभी सामग्रियों के साथ श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, जिससे हमें शांति मिलती है। हमारे घर में भी हमारी माँ, पत्नी, शादीशुदा बहन और हमारे समाज के कन्याएं तथा अन्य नारियों सिंदूर लगाती हैं, जिसे हम लोग सुहागन का परिचय मात्र समझते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको लोगों को सदृश कहानी बताने जा रहा हूं, आप भी देखें लेकिन कभी इस पर विचार नहीं किए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आजकल कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी, जिसे राम भक्त भी कहा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पूरे शरीर में सिंदूर लगा रहता है, या हम लोग भी जब उनकी पूजा करते हैं तो घी में सिंदूर मिलाकर उनके पूरे शरीर को लपेटते हैं, जिससे हम लोग शुभ मानते हैं और जिससे हमें शांति मिलती है और हमारी श्रद्धा भी पूरी होती है। इस संदर्भ में आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा कि हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं। आइए हम लोग आगे इसी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार माता जानकी यानी सीता जी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उसी समय हनुमान जी आ गए और सीता जी को सिंदूर लगाते देखकर बोले, माता, यह लाल द्रव्य जो आप मस्तक में लगा रही हैं, यह क्या है? इसके लगाने से क्या होता है? हनुमान जी का प्रश्न सुनकर सीता जी क्षण भर चुप रहीं, तत्पश्चात बोली, यह सिंदूर है, इसके लगाने से प्रभु श्री राम दीर्घायु, लंबी उम्र के हो जाएंगे और मुझे सदैव संपन्न रहेंगे। हनुमान जी ने सोचा, चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की दीर्घायु हो जाएंगे। और प्रसन्नता की बात माता जानकी के मुख से सुनकर श्री हनुमान जी के विचार में किया कि जो थोड़े से सिंदूर लगाने से प्रभु को लंबी उम्र प्राप्त होता है, तो क्यों न मैं अपने सभी संपूर्ण शरीर से सिंदूर से पोत कर प्रभु को अजर अमर कर दूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। संपूर्ण तन में सिंदूर पोते दरबार में पहुंचे और श्री राम से कहने लगे, भगवान प्रसन्न होइए, हनुमान जी का सिंदूर पोता शरीर देखकर श्री राम हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, वत्स, यह कैसी दशा बनाकर आए? तब हनुमान जी ने सारा वृतांत समझाया, माता जानकी ने कही थी विस्तार से बताया। सारी बात सुनकर श्री राम जी अति प्रसन्न हुए और बोले, बस तुम्हारे जैसा मेरे भक्त अन्य कोई नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने हनुमान जी को अमृत प्रदान किया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लेपन का दूसरा कारण यह भी है कि देवताओं के सेनापति, युद्ध के देवता हैं, मंगल स्वभाव से यह उग्र हैं। प्राचीन धर्म के ग्रंथों में लाल रंग को रजोगुण का प्रतीक माना गया है। रजोगुण भक्ति शक्ति का केंद्र है, रजोगुण का ही परिणाम है गति। यही कारण है कि शक्ति उपासक विभिन्न अनुष्ठानों में लाल रंग के वस्त्रों को धारण करते हैं। सिंदूर का निर्माण शीशे होता है, जो शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। हनुमान जी शक्ति के साथ साथ युद्ध के भी देवता हैं, इसलिए उनके शरीर में चमेली के तेल से मिश्रित लाल रंग का सिंदूर का लेप किया जाता है, जिससे हुए प्रसन्नता होते हैं, अपने भक्तों पर दया करते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। तो भाइयों, अद्भुत कहानी। आपने कभी इस पे विचार किया था कि हनुमान जी नर देवता होते हुए सिंदूर क्यों लगाते हैं? अब तो जान गए होंगे कि हनुमान जी का प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति, शक्ति और श्रद्धा का अनमोल विधान, लाल देह लाली रसे अरुधर लाल रंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसुर, सिया रामचंद्र की जय, सी जनक जनकपुर जनक लला की जय, जय अयोध्या जी, जय महाराज जी, जय माता, जय श्री राम। आप सब समझे होंगे कि लाल रंग, लाल सिंदूर हनुमान जी को क्यों चढ़ाते हैं, हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाने के पीछे का क्या रहस्य है। एक छोटी सी प्रस्तुति के जरिए आपको समझाने की, बताने की कोशिश की गई। मुझे उम्मीद है आप सब समझे होंगे। अगर आप ये वीडियो ये फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर देते रहें, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ते रहे। मिलते हैं अगली खबर के साथ। बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।